Okay, student. Today I am going to start a new chapter, only especially for fourth sem electrical students related with power system. Okay. The chapter is performance of transmission. Okay. Then, what do you mean with performance? And what do you mean by transmission? Actually, we divide all the power system in three ranges. First is generation. पहले हल्का सा ये आपको बता देते हैं, फिर आपको ये चीज जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. द पावर सिस्टम इज मे बी डिवाइडेड इन थ्री सेक्शंस. पावर सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम. इट इज डिवाइडेड इन थ्री सेक्शंस, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन. You understand generation? Generation is related with generation of electric power. Generally, it is done at power houses, different type power houses. As for example, hydel, thermal, nuclear. Okay. So, ये generation हम लोग कहाँ कर रहे हैं? Power house में. उसके बाद क्या होता है? कि आप देखे होंगे मोटा मोटा वायर से. That is known as transmission wire, transmission line, or we also say overhead lines. What? Transmission. And I think you are familiar with these things. Transmission wires, lines, or overhead lines. Over OH wire or OH transmission line, overhead. Because it passes from our head, हमारे सर के ऊपर से पास करता है वायर, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ओवर हेड वायर, ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन और OH लाइन और ट्रांसमिशन लाइन. ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन वी गेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई एट डिफरेंट सेंटर्स, विच इज नोन एज लोड सेंटर्स. हम लोग जहां जहां मिलता है कंज्यूमर को, तो वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग का कंज्यूमर एंड पर होता है. ओके, देन दिस इज द थिंग बिहाइंड दिस. देन हेयर आई स्पेशली वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग. जहां से सपोज दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, ओके, दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, देन फ्रॉम हेयर द पावर इज सेंट आउट. It means generation. Then this end is known as sending end. जहां से हम लोग पावर भेजते हैं, ये क्या हो गया? ये टर्मिनल शो कर रहा है कहां? पावर हाउस. पावर हाउस से हमारा सप्लाई आ रहा है. Then this is known, this actually we are concerned with two wire system, single phase AC system. Then it will have two terminals. Two wires, then these two points indicates what? The powerhouse supply. Powerhouse supply is given here, and this is known as sending end. है ना? Powerhouse से जो supply हम लोग वहां से भेजा जाता है, ठीक है? तो उस terminal को जहां से भेजा जा रहा है उसको हम लोग sending end कहते हैं. और जो इस जगह से वोल्टेज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंडिंग एंड वोल्टेज. एंड इट इज डिनोटेड बाय वीएस. व्हाट? वीएस, वी फॉर वोल्टेज, एस फॉर सेंडिंग. दिस इज योर सेंडिंग एंड वोल्टेज. एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद सेंडिंग एंड विल बी विद सफिक्स एक्स. क्या होगा? जितना चीज होगा, जैसे पावर फैक्टर है सेंडिंग एंड का, तो उस कैसे लिखेंगे? कॉस फाई एस. ओके, करंट है तो हमारा कैसे लिखेंगे? सेंडिंग एंड करंट आईएस.
that will be with suffix S, that is sending. The supply where we get, suppose this is the load or consumer, then this is known as, these two points are known as what? These two points are sending. Okay? And these two points are known as, these two points are known as receiving it. Receiving it. And obviously, this voltage will be known as what? V for voltage, R for receiving. Okay? Similarly, power factor here, that will be cos phi R. Receiving and cos phi factor. Okay? Then, if it is okay to you, sending and samajh rahe hain, jahan hum se supply bhej rahe hain, terminal, वहां का जो भी क्वांटिटी होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, एस से, सेंडिंग. और जहां हमारा कंज्यूमर एंड है, रिसीव जहां कर रहे हैं, वहां को हम कैसे लिखेंगे, आर से. वी आर मीन्स रिसीविंग एंड वोल्टेज, कॉस फाई आर मीन्स पावर फैक्टर रिसीविंग एंड, लाइक दैट. क्या समझ गए, इतना काफी है. देन कम हेयर वेयर वी आर रिलेटेड विद द चैप्टर, दैट नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन. तो व्हाट इज द परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट शुड बी द वोल्टेज रेगुलेशन, है ना. आपका जो सप्लाई हो हाई वोल्टेज क्या है, रेगुलेट कैसे है, कंसिस्टेंटली है कि बहुत फ्लक्चुएशन है, वोल्टेज रेगुलेशन फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज व्हाट, that is efficiency. Okay, efficiency, it means when we talk about the performance of transmission line, it means we are interested in determining the value of voltage regulation efficiency. Obviously power losses, that is related with efficiency. Okay, तो हम समझ गए कि परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मतलब क्या हो गया, कि हम जब डिटरमिन कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन इफिशियंसी, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, परफॉर्मेंस. किस चीज का परफॉर्मेंस, ट्रांसमिशन लाइन का. ट्रांसमिशन लाइन का हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो कहेंगे कि इसका परफॉर्मेंस, ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस ऐसा होगा. इफिशियंसी, इफ इफिशियंसी इज मोर देन द परफॉर्मेंस इज वेरी गुड. इफ वोल्टेज रेगुलेशन इज गुड, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा ज्यादा कम नहीं हो रहा, तो हमारा क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड. वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस इज नॉट गुड. इफिशियंसी हमारा बहुत कम आ रहा है, मतलब पावर लॉसेस ज्यादा हो रहा है, तो क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस इज नॉट गुड. आर यू गेटिंग, ओके. वेन वी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एज वेल इफिशियंसी, then that is known as performance. We have understood? Okay. Now, what are the things? When we talk about a transmission line, then obviously we must know this is the transmission line. This stands for transmission line. Obviously, here will be receiving end, here will be sending end. Okay. Then when we are concerned with this transmission line, obviously it will have, mind it, obviously it will have always two wires, at least, है ना. हमारा सिंगल फेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल फेज सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होगा, दो चीज, दो वायर होने चाहिए. ओके, एक लाइव और एक न्यूट्रल. ओके, देन द थिंग रिलेटेड विथ ट्रांसमिशन लाइन इज व्हाट, आर एल एंड RLC is known as what? Transmission line constants. These are known as transmission line constants. Okay? In next lectures, you will know about the ABCD constant here. You will have to again study about ABCD constants. Then now let us
try to know about these things, RLC. This is a transmission line, obviously. This is a conducting bar. Then, all of you know, electrical student, that this will have resistance. Then, the resistance of this wire is known as what? Resistance or resistance line constant. These are the line constant. Then R is also known as transmission line constant. Then when we talk about the resistance of both the conductors, dono wire ka jab baat karte, then that resistance is reminded. It will be useful in your numericals. जब हम रेजिस्टेंस का बात करते हैं लाइन कांस्टेंट का, तो केवल रेजिस्टेंस कह रहे हैं तो वो हमारा एक वायर का हो गया। जब लूप रेजिस्टेंस कहेंगे, इट मींस वी आर इन कंसर्न विद होल द सिस्टम, दोनों वायर के बारे में। तो लूप रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों वायर का रेजिस्टेंस। ओके, देन एल, वी नो दैट दिस वायर इज वेरी वेरी लॉन्ग। ट्रांसमिशन वायर क्या होता है? 10 मीटर 20 मीटर का तो होता नहीं, कई किलोमीटर का होता है। Therefore, this length will have inductive effect also. Okay? Then it will have an inductance. Okay? है ना, बहुत लंबा वायर है, बहुत 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 कई कई किलोमीटर तक का वायर जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा। एंड इन फ्यूचर आई विल एक्सप्लेन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल, हाउ इट विल बी। ओके, देन इट विल हैव दिस ट्रांसमिशन वायर विल हैव इंडक्टिव वैल्यू। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कैपेसिटेंस इज व्हाट? दैट इज द इंसुलेटर बिटवीन टू कंडक्टर्स। दीज वायर आर व्हाट? दीज वायर्स आर मेड ऑफ कंडक्टिंग, दीज आर कंडक्टिंग वायर्स। एंड हेयर इन बिटवीन दिस व्हाट इज अवेलेबल? दैट इज एयर। एयर इज इंसुलेटर and these are two conductors. Then when there is insulator in between two conductors, that will form a what? Capacitance. So capacitance hoga, clear hai? So these three things ek previous mane ek bar bata de rahe hain aapko, bar bar ye repeat nahi karenge, aap samajh lijiye, concept jaisa bana lijiye, it will be beneficial to you. Jaise abhi aapko sending and receiving and har jagah bar bar nahi batayenge, aap ek bar bata diye aap samajh lijiye। और ए आर एल सी आर लाइन कॉन्स्टेंट क्यों होगा बता दिए। अब ये क्या है कि ए हो गया आर एल सी, तो अब यहां गौर कर आर ये सब थ्रो दिस वायर ए करंट इज पासिंग। ओके, देन इट विल हैव आर इन टू आई, दिस वैल्यू विल बी हाई। दैट इज व्हाट? दिस इज योर पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द ट्रांसमिशन वायर। ओके, यू नो पीडी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसमिशन वायर आर आई, दिस विल बी हाई। व्हाई? ट्रांसमिशन वोल्टेज इज वेरी हाई, देन करंट विल बी हाई। एंड अगेन आई, यू नो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आर, दिस इज व्हाट? दिस इज पावर लॉस। तो पावर लॉस विल बी हाई, वेरी हाई, दैट इज आई स्क्वायर then into multiplied by R, then this will be very high। अब देखते हैं कि इसी पावर लॉस के कारण क्या होता है, आपका ये वायर काफी गर्म होता है और आपका इसी का वायर रेजिस्टेंस के कारण आपका एफिशिएंसी घट जाता है। सेंडिंग एंड से कुछ सप्लाई दे रहे हैं, एफिशिएंसी आपका घट जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पावर लॉस। देन दीज टू फैक्टर्स इज ऑफ कंसिडरेबल इफेक्ट, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। It means R is an important factor. Okay, then L, L will what? Omega L, you know omega L what? A V L, this will be incorporated, क्या relation होगा आपका current के साथ? ही क्या होगा? Quadrature में होगा, quadrature relation you know at 90 degree। And A obviously यहां क्या हो रहा है? एक capacitor form कर रहा है, इनविजिबल कैपेसिटर, इनविजिबल कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। देन ए करंट विल लीक हियर, दिस इज नोन एज चार्जिंग करंट। आप देखते हैं कोई दो वायर जा रहा है, आपको बीच में हाथ डालने कहेगा, डालिएगा? नहीं डालिएगा, डर के मारे। क्यों? अनसीन करंट, दो वायर है,
बीच से नहीं ना करंट पास कर रहा है, लेकिन आप हाथ कहेगा बीच में डालने डालिएगा, नहीं डालिएगा। देयर इज एन अनसीन करंट, दिस इज नोन एज लीकेज करंट और चार्जिंग करंट, बिकॉज इसी के डर के मारे कोई दोनों वायर के बीच में हाथ नहीं डालता। ए करंट पास कर रहा है ऑलवेज, व्हाट इज नोन, दिस वन इज नोन एज, दिस करंट इज नोन एज चार्जिंग करंट, चार्जिंग और लीकेज करंट। यही करंट आपको शॉक लगेगा इससे अगर हाथ डाल दीजिएगा तो, लीकेज करंट। एंड माइंड इट, दिस चार्जिंग करंट इज वेरी हाई, मैक्सिमम यू कैन से मैक्सिमम एट सेंडिंग एंड, एंड इट स्टार्ट टू रिड्यूस कंटिन्यूअसली। सबसे ज्यादा क्या होगा चार्जिंग करंट कहाँ होगा, सेंडिंग एंड पर। सेंडिंग एंड करंट, चार्जिंग करंट एट सेंडिंग एंड विल बी ग्रेटर देन आई आर आई सी आर रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड के पर क्या होता है, लगभग ये जीरो होता है ना। सेंडिंग एंड पर चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा होता है और रिसीविंग एंड पर करंट बहुत कम। ओके, हैव यू अंडरस्टूड, इतना क्लियर हो गया। अब आइए कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस मीन्स वी हैव टू डिटरमिन वीआर वीआर। तो ये आपका हो गया कि हमको ये सब क्वांटिटी कैसे कैसे क्या करना है। नाउ इन क्लासिफिकेशन ऑफ वायर्स, ट्रांसमिशन वायर का क्लासिफिकेशन कैसे, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसमिशन वायर, ट्रांसमिशन दिस इज क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज। व्हाट आर दो, दिस इज नोन एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड व्हाट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। वायर को हम लोग तीन रेंज में डिवाइड कर लेते हैं। रेंज कैसे लेते हैं, देखिए फर्स्ट थिंग इज व्हाट, लेंथ, अकॉर्डिंग एज लेंथ। इफ द लेंथ ऑफ द वायर सिस्टम इज अप टू 50 किलोमीटर, लेस देन 50 किलोमीटर क्या है, हम लोग का जो ट्रांसमिशन वायर जा रहा है लगभग लगातार जा रहा है 50 किलोमीटर से कम रेंज का रहेगा ट्रांसमिशन वायर, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज लॉस शॉर्ट ट्रांसमिशन। ओके, एंड ऑपरेटिंग पॉइंट, व्हाट सेकंड थिंग इज व्हाट, ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग लाइन वोल्टेज, यही चीज आपका मोस्ट वाइटल चीज यही है, बाकी और भी है लेकिन मेनली क्लासिफिकेशन ऐसा ही करते हैं। बट लेंथ एज वेल एज ऑपरेटिंग, लेंथ कितना होना चाहिए वायर का हमारा, 50 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, थोड़ा सा कम हो तो हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए, इट शुड बी अप टू 20 किलो वोल्ट, कितना 20,000 वोल्ट, देन दिस इज सेट टू बी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। दिस वन इफ लेंथ इज मोर देन 50, ओके, एंड मोर देन 50 टू 150 किलो, है ना, ये 50 किलोमीटर से कम हो गया तो हम क्या कह दिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। जब हमारा 50 से 150 किलोमीटर से कम, 50 टू 150 के रेंज में आ गया तो इसको हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज शुड बी इन बिटवीन 20 के भी एंड ग्रेटर लेस देन 110 के भी, 20 के भी से आपका 110 के भी के बीच में है तो हम लोग ऑपरेटिंग वोल्टेज। ट्रांसमिशन वायर से अगर वोल्टेज जा रहा है 20 की भी किलो वोल्ट से लेके 110 किलो वोल्ट तक, और वायर अगर एकदम लंबा है कितना 150 किलोमीटर 50 किलोमीटर से ज्यादा 150 किलोमीटर, तो इसको हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन वायर करते हैं। एंड मोर देन दिस इफ लेंथ इज मोर देन
150 किलोमीटर लेंथ कितना हो गया, 150 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब वोल्टेज मोर देन 110 के भी, समझ गए, तो ये हम इसको क्लासिफाई ऐसे करते हैं। अब आ जाइए, क्लियर हो गया, ये व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया अपॉन व्हिच द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स इज, फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड वन इज ऑपरेटिंग लाइन वोल्टेज। इफ लेंथ इज लेस देन 150 किलोमीटर एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज इज लेस देन 20 केवी, देन दिस इज नोन एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इफ इट इज बिटवीन, लेंथ इज इन बिटवीन 50 टू 150 किलोमीटर एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 20 टू 110 केवी, देन दिस इज नोन एज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। आज इफ द ट्रांसमिशन लाइन हैव मोर देन दिस वैल्यू, देन दिस विल बी नोन एज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस थिंग। Then at first we talk about short transmission line, okay? What about short transmission line? At first short transmission line. Short transmission line में क्या है कि देखिए इसका length क्या है, it is not too much, it is not lengthy, है ना, small length. एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज वोल्टेज इज अगेन ए स्मॉल, दिस कंपेयर टू ऑल कम नहीं है, लेकिन कंपेयर टू ऑल कम है। देयर फोर हेयर कैपेसिटी वी हैव टॉक्ड अबाउट थ्री कॉन्स्टेंट आर एन सी, देन द वैल्यू ऑफ सी इज वेरी स्मॉल। एक्चुअली द वैल्यू of C depends upon length as well as operating voltage. When it will be low, then the value of C is very small. Okay? समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ध्यान दीजिए। अभी जस्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जब हमारा लेंथ वायर का, ट्रांसमिशन वायर का बहुत कम होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होगा, अकॉर्डिंगली इस चीज का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अभी बताए, लाइन जो है ट्रांसमिशन कॉन्स्टेंट कैपेसिटेंस है, वो आपका क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। देयर फोर वेन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट ट्रांसमिशन वायर, देन सी इज जनरली नेग्लेक्टेड। आपको सुविधा होगा सी को कंसीडर नहीं करना है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, समझ गया, लेंथ इफ लेंथ एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज इज ए स्मॉल, दो द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी स्मॉल, इट्स कैपेसिटी वैल्यू, कैपेसिटी वैल्यू ऑफ व्हाट, द ट्रांसमिशन लाइन विल बी वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट इज नॉट कंसीडर्ड। ओके, क्या है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। क्लियर, अब आ जाइए, तो हम रजिस्टर क्या लेंगे इसके केस में, इसके केस में हम ये इसको छोड़ देंगे और केवल आर एल का बात करेंगे, समझ गए। नाउ कम एट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम देन इट इज व्हाट, इट इज समहाउ लेंथ इज हाई, ज्यादा हो गया लेंथ, कितना 150 किलोमीटर से, इससे लगभग तिगुना, ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना हो गया 110 तक, ये भी हाई हो गया, देन सी विल बी कंसिडरेबल। ए आपको इसको अब आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का बात करेंगे, ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का या फार्मूला डिराइव करेंगे, तो सी इज नॉट गोइंग टू बी नेग्लेक्टेड। सी को नेग्लेक्ट करिएगा तो आपका कैलकुलेशन एब्सर्ड देगा, गलत सलत आएगा कैलकुलेशन वैल्यू, आपका आंसर डिफर कर जाएगा। तो वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ध्यान रखिएगा इसको जब न्यूमेरिकल बनाए, देन दो द कैपेसिटी वैल्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल द लेंथ, पूरा जितना वायर है सब जगह कैपेसिटेंस बन रहा है, सब जगह बन रहा है ना, जितना वायर है कैपेसिटेंस तो सब जगह फॉर्म करेगा ना,
though it is distributed over whole the length, but in case of medium transmission line, we get it at concentrated at one point or more than one or two points. Okay, इसको हम बहुत ज्यादा सी का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पर वैल्यू फैला हुआ है, हर जगह का टेस्टर वैल्यू होगा, लेकिन फॉर द इजी कैलकुलेशन वी टेक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एज सी जो लेते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में वो क्या लेते हैं कंसंट्रेटेड एक पॉइंट पर या एक से ज्यादा दो तीन पॉइंट पर, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हाई होगा। बट वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ओके, देन इट विल बी वेरी हाई, इट विल बी वेरी हाई, देन यू हैव टू कंसीडर दिस वन, ए मैंडेटरी हो जाएगा। यहां पर आप कैपेसिटेंस छोड़े कि आपका वैल्यू गलत, टोटली रॉन्ग हो जाएगा आपका। देन व्हेन वी विल बी कन्फाइंड टू लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर का करेंगे तो हमको सी लेना है, और इस केस में हम डिस्ट्रीब क्या लेंगे, ए लंप्ड नहीं ले सकते हैं, एक जगह एक पॉइंट पर नहीं ले सकते हैं, दो तीन पॉइंट पर नहीं लेंगे, बट थ्रू द लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा कि एवरी वेयर देयर इज कैपेसिटी वैल्यू। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, देन यू हैव अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन। नाउ द सिंपल थिंग्स, जस्ट द मैथमेटिकल डेफिनेशन। नाउ वी कम एट वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज व्हाट, देन वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस थिंग एट वेयर रिसीविंग एंड पावर हाउस, तो कहां पर है उस जगह हम वोल्टेज रेगुलेशन देख के क्या करेंगे, वहां फ्लक्चुएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां तो जनरेट ही हो रहा है, हमको मतलब कहाँ है, अपने कंज्यूमर एंड से। देयरफॉर वोल्टेज रेगुलेशन इज जनरली डिटरमिन एट रिसीविंग एंड। ओके, देन हाउ वी डिफाइन इट, वी आर फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड इन जनरली परसेंटेज, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ पीडी एट रिसीविंग एंड, पीडी मीन पोटेंशियल ड्रॉप एट वेयर रिसीविंग एंड व्हाट फुल लोड वोल्टेज वेयर एट अगेन कहां हम लोग करते हैं रिसीविंग एंड and multiplied by 100, though it is taken in a percentage. Okay, then here the difference means what, difference of what, VNL, NL stands for no load, minus VFL, that is F for full load, and this is V full load into 100. Okay, then here what VNL is voltage at no load. Voltage at no load at where? Receiving end. Okay? And VN here, no load, NL. And VFL, that is voltage at full load at where receiving. अब आपसे एक हम बात पूछते हैं, आप बताइए VFL will be equal to VNL or VFL will be less than VNL or VFL will be greater than VNL, कौन ज्यादा होगा? देखिए, no load, जब हम कोई लोड नहीं दे रहे हैं, ऑब्वियसली कोई चीज आप स्विच ऑन नहीं किए हैं तो वोल्टेज तो आपको फुल मिल रहा है ना, और जैसे ही स्विच ऑन करिएगा जो भी डिवाइस है तो ड्रॉप लेगा, और भी फुल लोड दे रहे हैं तो और ज्यादा ड्रॉप होगा। तो माइंड इट, वी फुल लोड
इज ऑलवेज लेस देन वी नोट नो लोड. नो लोड पर वोल्टेज ऑलवेज कम होगा, ज्यादा होगा, और फुल लोड पर ऑलवेज कम होगा. क्यों? फुल लोड दे रहे हैं तो आपका क्या होगा, ड्रॉप बढ़ जाएगा. ओके, देन दिस इज VNL माइनस VFL. मतलब हम वोल्टेज सेंडिंग एंड से जो आ रहा है उसको हम रिसीविंग एंड पर देख लेंगे बिना कोई लोड दिए, नोट कर लेंगे कितना वोल्टेज आया. अब उसके बाद फुल लोड देके देखेंगे तो कितना आया, VFL, उसको डिवाइडेड कर देंगे वी वोल्टेज एट फुल लोड, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100, देन दिस विल बी योर वोल्टेज रेगुलेशन. समझ गए? वी फुल लोड शुड ऑलवेज बी लेस देन वी नो, फर्स्ट थिंग. बट दिस इज फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस. नाउ अब एक चीज ये बताइए आप कि वी आर का वैल्यू कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली दिस शुड बी लेस. मतलब वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होगा, बहुत दूर तक रेगुलेट हो रहा है तो आपका वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा ना. वोल्टेज में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो फ्लक्चुएशन होगा, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. जो भी चीज यूज कर रहे हैं, वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपको क्या होगा, लॉस देगा, डैमेजिंग भी हो सकता है. देन वोल्टेज रेगुलेशन शुड हैव लेस वैल्यू. ओके, इट इज क्लियर टू यू? नाउ वी कम एट व्हाट वोल्टेज रेगुलेशन, व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू. परफॉर्मेंस मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, आप समझ गए. एंड इफिशियंसी, इफिशियंसी इज डिफाइंड एज व्हाट, पावर आउटपुट. आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, VR, दैट इज हाउ वी गिव द वैल्यू ऑफ पावर आउटपुट, V इंटू I इंटू cos phi, दैट इज द थिंग. देन आउटपुट वोल्टेज कहां हमको मिल रहा है, रिसीविंग एंड पर. देन दिस V इज VR, I इज IR, एंड cos इज cos phi R. समझ गए? दिस इज वोल्टेज एट रिसीविंग एंड, करंट एट रिसीविंग एंड, एंड दिस इज पावर फैक्टर एट रिसीविंग एंड. ओके, सिमिलरली वी टेक इनपुट, दैट इज व्हाट वी आई, दिस इज सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, एंड दिस इज पावर फैक्टर एट सेंडिंग एंड, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड, इफ मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज योर परसेंटेज एफिशिएंसी. ओके, देन यू कैन डिफाइन परफॉर्मेंस. इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन, इफिशियंसी ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. That will be in expression. ये तो केवल आपको थ्योरी बता है, उसमें क्या बताएंगे, विथ एक्सप्रेशन, विथ फेजर डायग्राम. एंड यू नो ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नो दैट फेजर डायग्राम इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. देन इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन शॉर्टेड ट्रांसमिशन लाइन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एज वेल एज विथ फेजर डायग्राम. ओके.